टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य दिया। मेहमान टीम के लिए निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए, जबकि डेरेन ब्रावो ने 43 रनों की पारी खेली। निकोलस पूरन के विस्फोटक अर्धशतक की मदद से वेस्ट इंडीज ने भारत के सामने यह लक्ष्य रखा है। पूरन ने 25 गेंदों पर सर्वाधिक 53 और डेरेन ब्रावो ने नाबाद 43 रनों का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किए हैं।